हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और सिंपल वुमेन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके फिर मुझे बोला गया है। इसके पहले जो मैंने अभी वीडियो बनाया था फेस कवर करने का, वो वीडियो आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना ज़्यादा पसंद किया, थैंक गॉड। मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि इतना ज़्यादा व्यू आया, इतने ज़्यादा कमेंट आए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए। मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ के। और उसके बाद उसी वीडियो में मुझे कमेंट में मैंने बताया भी था आप लोगों को कि आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि आप लोगों को किस टाइप का वीडियो चाहिए, क्या चाहते हैं आप मेरे से, क्या आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में, या फिर अपने बारे में भी मुझे बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप अपने बारे में भी मुझे बताएंगे। तो मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आप लोगों ने फिर बोला इसी टाइप के वीडियो बनाया करो आप, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना फिर से मैं आप लोगों की फरमाइश पूरी कर दूं। तो आज एक रिक्वेस्ट आया, एक नहीं उन लोगों ने, उन्होंने पता नहीं कितने बार मुझे एक ही चीज़ लिख लिख के भेजा, प्लीज़ ये। उनको शायद लगा कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो किस टाइप के वीडियो के बारे में मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट मैं समझ गई थी जब आपका पहला वीडियो मतलब कमेंट आया था उसी टाइम कि आप इस टाइप के वीडियो चाह रहे हैं। तो जितनी खुशी मुझे आपके कमेंट का जवाब देना, आपके कमेंट पढ़ना और आपके कमेंट में जो रिक्वेस्ट होती है उससे पूरा करने में खुशी नहीं मिला जितना आप लोगों ने उस वीडियो में मुझे पॉजिटिव जितने भी सारे कमेंट किए थे ना, बहुत खुशी हुई। और मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैंने पता नहीं अगर 50 भी कमेंट आए ना एक साथ, मैं वो सारे कमेंट का रिप्लाई कर दूं और आप लोगों के 50 फरमाइशें मैं पूरी कर दूं। सो गाइस, चलिए ज़्यादा वेट नहीं करवाती हूँ मैं और मैं बताने जा रही हूँ आज आप लोगों को जो साउथ इंडियन का क्लिप होता है ना, हेयर बैंड का क्लिप, कितने लोग उसे बैकपिन भी बोलते हैं। तो आज मुझे ये रिक्वेस्ट आया था कि क्लिप लगाना मुझे बता दो कि बालों में कुछ अलग अलग टाइप के हम कैसे लगा सकते हैं और अपने बालों में अच्छा लुक दे सकते हैं। तो अभी बहुत कम क्लिप लोग लगाते हैं, बहुत जैसे ज़्यादा लंबे बाल हैं तो बहुत कम लोग लगाते हैं, बट जिनके छोटे बाल हैं तो वो ज़्यादा यूज करते हैं। और आजकल जो फैशन हो गया वो क्लचर का हो गया है, छोटा क्लचर बड़ा इसे लगा लो। बट साउथ इंडिया में आज भी क्लिप लगाते हैं लोग, क्लचर बहुत कम लगाते हैं, क्लिप लगा के उसके बाद गजरा वगैरह लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ये क्लिप, और इसे बैकपिन भी बोलते हैं और कितना लोग क्लिप बैंड भी बोलते हैं, हर जगह का अपना अपना लैंग्वेज होता है जो जैसे बोले। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ। हे गाइस, तो सबसे पहले हम जो अपना बाल है उसको सुलझा लेंगे, और सुलझाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ हाफ बालों में क्लिप। आप अपने कान के पास से अंगूठा लगा के और अपने बालों को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, आधा ऊपर और आधा नीचे। और जो ऊपर का हिस्सा है उसमें हम अब लगाएंगे अपना बैक पिन, और ये इस तरह से आप अपने जो हाफ है नीचे का बाल वो खोल के, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने देखा होगा अनुराधा पौडवाल ज़्यादा लगाती हैं ऐसे ही, जो सिंगर है। और अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को दूसरा स्टेप। बाल सुलझे रहेंगे तो आप कितने भी स्टेप करेंगे तो नहीं उलझेगा बाल। और इस तरह से आप अपना जूरा बना लीजिए पीछे से, अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो। और जूरा का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे हल्का सा क्लिप लगा के और वहाँ लगा सकते हैं। इस तरह भी जो है ना आपका जूरा बिना बैंड के, बिना किसी रबर के, और अच्छा ही लगता है। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, और इससे भी अगर अच्छा लुक चाहते हैं तो जूरा बना लीजिए, उसे उसके ऊपर जस्ट क्लिप लगा लीजिए, ये लुक भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। और चलिए मैं आप बता दूँ तीसरा स्टाइल जो है, आप यहाँ पे अपने पूरे बाल जो है उन पूरे बालों में लगा लीजिए बैंड। आप चाहे तो इस तरह खुला छोड़ सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है, और चाहे तो इसमें चोटी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चोटी बना के दिखाती हूँ।
क्योंकि चोटी बना के उसके बाद आप इसमें गजरा वगैरह कुछ भी लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबे बाल हैं तो चोटी बहुत अच्छा लगेगा, और इस तरह से क्लिप लगा के चोटी करना तो चोटी का जो लुक होता है ना वो थोड़ा सा और ही लंबा सा लुक आता है। चोटी के बाल वाकई में बहुत लंबे हो चुके हैं। तो ये देखिए मैंने अपना चोटी बना दिया, और बाल अगर छोटे भी हैं तो छोटे से बहुत अच्छा लुक आता है। और चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों को चौथा जो है हेयर स्टाइल। और चौथे में कुछ नहीं करना है, आपने ये जो पोनी लगाया हुआ है सारे बालों को पकड़ के, ये थोड़ा सा नीचे, और अब जो मैं बताऊँगी इसमें इस ऐसे ही पोनी बनाना है पीछे और थोड़ा सा ऊपर करके, थोड़ा सा ऊपर करके क्लिप लगा लीजिए। और क्लिप लगे हुए ही आपको जूड़ा बनाना है, क्लिप के आर पार से, और जो आपका क्लिप है वो बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा। और इस तरह से, चूँकि मेरे थोड़े थोड़े छोटे बाल हैं तो हो नहीं रहता है, आप उसे जूड़ा पिन लगा के और सेट कर सकते हैं। इस तरह का जूड़ा पूरा दिन आपका जूड़ा नहीं खुलेगा, क्लिप में फंस जाता है। और अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को पांचवा। पांचवे में आप यहाँ अपना जो कान के जस्ट ऊपर है, आप वहाँ पे थ्री भाग में बालों को जो ना थ्री हिस्से में, तीन हिस्से में डिवाइड करके, जो आपका पहला हिस्सा है उसमें आप क्लिप लगाइए, थोड़ा सा ऊंचा करके पोनी, जैसे बचपन में मम्मी हमें बांधती थी। तो यहाँ पे क्लिप लगा के आप नीचे से सारे बालों को पकड़ के, और आप चाहें तो ऐसे खुले कर सकते हैं, ऊपर गजला लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर खुले बाल रखना पसंद नहीं है तो इन सारे बालों को पकड़ के, और चोटी जो है ना थोड़ा सा ऊपर से चोटी कर लीजिए। इस तरह से चोटी करना भी बहुत अच्छा लगता है, जब पीछे से आप देख तो बहुत लंबी वाली जो होती है ना, वो जो सागर चोटी होता है, कौन कौन सा चोटी होता है, वो सारी चोटी का लुक भी इसमें थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाता है। तो इधर करके आप अपनी जो क्लिप है उसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, और अपने बालों पे जो है अच्छे अच्छे लुक दे सकते हैं। हे गाइस, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को? मैंने बहुत सारे टिप्स बताए आप लोगों को, बहुत सारे तरीके बताए कि आप बैक पिन लगा के जूड़ा बना सकते हैं, चोटी बना सकते हैं, और जो भी आप करेंगे बहुत अच्छा लुक दे रहा था, जैसे कि आप सब लोगों ने वीडियो में देखा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आप लोगों की क्या फरमाइशें हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसे पूरा करने में। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे फिर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा, और भी वीडियो चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पास का बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप इसी तरह मेरा वीडियो डेली देख सके सबसे पहले। और सबसे पहले कमेंट और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा पसंद अगर आता है तो, और तभी मुझे लगेगा कि मैंने जो इतना सारा मेहनत किया ना वो मेरा बहुत अच्छा चला गया, सफल हो गया। जैसे होता है ना कि बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है और रिजल्ट आ जाए तो फिर थोड़े से मार्क्स मिल जाते हैं ना, तो वो हमारा जो लाइक है ना वो हमारे लिए मार्क्स ही है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है जब हमें कोई लाइक देता है। तो प्लीज आप लोग भी लाइक जरूर दीजिएगा, और मुझे बहुत खुशी होता है आप लोगों की फरमाइश से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय।